हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेदांतु केमिस्ट्री में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों को इस वीडियो में निकालना सीखना है। तो एक क्लास 12 का यूपी बोर्ड का पहले चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक समान रूप से आवेशित वलय दिख रहा होगा। वलय का मतलब क्या होता है? छल्ला, जो कि क्या है, एक समान रूप से पूरी तरीके से आवेशित है। अब क्या करेंगे कि जो ये वलय है, इसका जो यहाँ पर केंद्र होगा, ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ केंद्र, इस वलय के केंद्र, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर, कि जो यहाँ पर बिंदु ओ इसका केंद्र है, इस बिंदु ओ से क्या कर लेंगे, इस बिंदु O से x दूरी पर, इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, ठीक, जिस पर इस वलय के पास कौन सा चार्ज है, Q आवेश है, इस वलय के पास Q आवेश है, और इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चूंकि वलय जो है, ठीक, इस पूरे वलय का जो आवेश है वो क्यों है, तो ये जो वलय है वो क्या होगा, छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बना होगा। तो इसलिए अगर मान लो कि वलय का कोई छोटा सा टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं, ऐसे कोई मान लो यहाँ से यहाँ तक का कोई टुकड़ा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का कोई टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि ये जो टुकड़ा है वो क्या है, ए बी है, ठीक, जिसमें क्या है, एक समान रूप से आवेश भरा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मान लेते हैं कोई टुकड़ा क्या है, सी डी है, ठीक, जिसमें भी क्या है, एक समान रूप से आवेश भरा हुआ है। अब जो ये वलय है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग क्या है, इस वलय का जो त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक। अब देखो हमको क्या पता चल गया, बिंदु ओ से पी दूरी पर क्या है, बिंदु ओ से बिंदु P तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल x है, और बिंदु O से जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल a है, ठीक, मतलब वलय की जो त्रिज्या है वो स्मॉल है, और बिंदु O से जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी x है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से जो ये बिंदु, मतलब छोटा सा जो ये पूरा वलय है, इसका जो छोटा सा टुकड़ा लिए हुए हैं हम लोग, ठीक, उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस बिंदु से क्या कर लेंगे, मिला देंगे, इस वाले बिंदु से ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पर एक सी डी बिंदु है, तो इस वाले भी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस बिंदु पी से क्या करेंगे, मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ पर जो बिंदु पी पर हमें तीव्रता मिल रही है इस समय, वो इस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पर मिल रही है, ये जो दोनों छोटा छोटा टुकड़ा वलय का लिए हैं, ठीक, उसके कारण यहाँ पर हमें तीव्रता मिल रही है। तो मान लो कि जो छोटा टुकड़ा है उसकी तीव्रता, मान लो कि ये पूरी वलय की जो तीव्रता होगी वो कैपिटल ई होगी, ठीक, और जो ये छोटा छोटा टुकड़ा ले रहे हैं उसका टुकड़े का जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, डेल ई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बिंदु पी पर आप यदि लोग देखो, तो जो यहाँ से बिंदु ए से, मतलब जो ये छोटा सा वलय का टुकड़ा है ए बी, इसके कारण जो, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो लाइन ड्रा किया है, ठीक, वो किसी और दिशा में जा रही है, और बिंदु सी पी से जो मिलाती हुई बिंदु पी से जा रही है वो किसी और दिशा में जा रही है। तो हमें तीव्रता कैसे मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पर तीव्रता मिल रहा है डेल ई डेल ई, मतलब इसके कारण सी डी के कारण जो तीव्रता मिल रहा है, ए बी के कारण जो तीव्रता मिल रहा है डेल ई, उसका परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका ऊर्ध्वाधर तीव्रता और क्षैतिज तीव्रता दोनों चीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो ऊर्ध्वाधर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डेल ई साइन थीटा, ठीक। अब ऊर्ध्वाधर में क्या हो रहा है कि ए तीव्रता, मान लो कि जो सी डी है उसके कारण तीव्रता ऊपर की तरफ लिख रही है, और ए बी जो है उसके कारण मान लो तीव्रता नीचे की तरफ लग रही है, डेल ई साइन थीटा, ठीक। और जो हमारा क्षैतिज तीव्रता होगा वो क्या होगा, डेल ई कॉस थीटा, ठीक, मतलब ए वाला जो तीव्रता लग रही है, एक तो हम लोग लंब खींचेंगे और एक क्या करेंगे, क्षैतिज लाइन खींचेंगे,
ठीक, तो इसके कारण जो तीव्रता लग रही है लंब, वो जो तीव्रता है वो क्या है, आपस में एक दूसरे को काट दे रही, मतलब इसके कारण जो तीव्रता लग रही है वो ऊपर की तरफ मान लो लग रही, और जो ये ए बी के कारण तीव्रता लग रही है वो नीचे की तरफ, तो ये जो दोनों का परिणामी तीव्रता होगी, मतलब जो ऊर्ध्वाधर तीव्रता होगी वो क्या हो गई, दिशा बदलने के कारण कट जा रही, और जो हमारे पास तीव्रता बच रहा है वो क्या हो, बच रहा है डेली कॉस थीटा, डेल ई कॉस थीटा बच रहा है। तो ये जो सी डी और ए बी के कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता परिणामी तीव्रता है वो कितना होगा, डेली कॉस थीटा। तो इस चीज को अब आपको निकालना है, तो अब हम लोग इसके कारण सी डी और ए बी के कारण डेली निकाल लेंगे, फिर इसके बाद अगर पूरे का निकालना होगा तो इस छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें पूरे वलय के कारण तीव्रता निकल जाएगी। तो इसी चीज को अब हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां पर अगर सबसे पहले हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, माना माना एक वलय जो एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, आवेशित है। ठीक, फिर अब यहां पर करेंगे क्या कि वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या स्मॉल ए तथा केंद्र ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ओ से एक्स दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चूंकि फार्मूला क्या जानते हैं, डेल ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू डेल क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब जो यहाँ पर छोटा छोटा हम लोग टुकड़ा लिए हुए ए बी और सी डी, उसके कारण जो हमको, मतलब ये तो हमें फार्मूले के द्वारा पता है कि डेल ई बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट डेल क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, लघु खंड ए बी और सी डी के कारण, सी डी के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। ठीक, तो ए बी और सी डी के कारण जो बिंदु पी पर हमें तीव्रता मिल रही है वो क्या मिल रही है, डेल ई कॉस थीटा। ठीक, तीव्रता क्या मिल रही है हमको, डेल ई कॉस थीटा, डेल ई कॉस थीटा हमको मिल रही है। अब डेल ई कॉस थीटा किसके बराबर होगा, डेल ई का मान कितना है, इतना है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो डेल ई का मान है और कॉस थीटा भी मिले तो इसलिए कॉस थीटा इधर भी लगा देंगे। ठीक, इतना हो गया। ये किसके लिए हम लोगों ने निकाला, ये लघु खंड के लिए। अब हमको किसके लिए निकालना है, पूरे सर्कल के लिए, जो पूरा वलय है उसके लिए। तो फिर उसके नीचे लिखेंगे पूरे पूरे वलय के लिए, पूरे वलय के लिए बिंदु बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, पूरे वलय के लिए बिंदु P पर तीव्रता हमको निकालनी है। तो ये जो वलय है वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है और हर एक छोटे छोटे खंडों की जो तीव्रता है वो कितनी है, डेली है। ठीक, तो अगर हम उस और जो छोटा छोटा खंड है उसके कारण जो परिणामी तीव्रता मिल रही है वो कितना मिल रहा है, डेली कॉस थीटा। ठीक, तो अब हमको पूरे का निकालना है, पूरे का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ई बराबर
ई बराबर क्या हो जाएगा, समीशन डेल ई कॉस थीटा। समीशन क्या हो जाएगा, डेल ई कॉस थीटा। अब डेल ई कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीशन डेल क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखने पर हमको मिल क्या रहा है कि जो डेल क्यू है वो कितना है, इस वलय का आवेश है, और जो ये पूरे वलय का आवेश है मतलब डेल क्यू जो है, जो डेल क्यू आपको दिख रहा है वो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा लिए हैं उसका आवेश है, और जो पूरे वलय का आवेश होगा वो कितना हम लोगों ने माना है, क्यू। तो डेल क्यू बराबर क्या है, समीशन डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अब हम लोगों को क्या देखना है कि मान लो कि यहाँ से जो बिंदु पी है, ठीक, और इसकी इसके बीच की कोण थीटा है, और ओ से एक्स दूरी पर हमें बिंदु पी की तीव्रता निकालनी है, और जो हम लोगों ने जो वलय लिया है ठीक उससे स्मॉल आर दूरी पर जो ये वाला जो लाइन दिख रहा है इससे, और ये बिंदु पी है इसकी दूरी क्या है, स्मॉल आर है, इससे यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ से थीटा निकालनी है, यहाँ से हम लोगों को थीटा निकालनी है, और थीटा की जगह पर हम लोगों को निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या हम लोग, चित्र से कॉस थीटा, क्योंकि हमारा इक्वेशन में कॉस थीटा आया हुआ है तो हम लोगों को कॉस थीटा निकालना होगा। तो कॉस थीटा चित्र से हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार के बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या है, थीटा निकालने, अगर इसको हम ए वाला त्रिभुज हम लोग मान लें, ठीक, ए वाला अगर हम लोग त्रिभुज माने तो इसका आधार ए वाला भुजा होगा, तो आधार क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, और जो कर्ण है वो कितना है, स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल आर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो अगर हम लोगों को आर स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर है, ठीक, मान लो ए आर है और ये हमारा त्रिभुज है ए ओ पी, तो ए ओ पी में आर जो है वो क्या कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ए आर स्क्वायर का मान हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान एक्स के बटा आर हो गया। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स के बटा आर, और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसी दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के बटा आर। ठीक, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया, ई का मान जो हो गया वो क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपको आर दिख रहा है इसका वैल्यू अगर यहाँ से निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर, इसका वैल्यू अगर आर बराबर निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, आर का मान ये हम लोग लिख सकते हैं, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसी वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर रख लेना है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1/2। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घाते क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसके घाते क्या है, 1, और इसके घाते क्या है, 1/2, दोनों क्या है, सेम चीज़, तो इसका घात और इसका घात क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स के बटा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2। ठीक, तो ये हमारा ई हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। इस वलय के कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, ए होगा। ठीक, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2। अब देखिए जो ओ है उससे पी की दूरी क्या है, एक्स है। यदि जो बिंदु पी है ओ एक्स दूरी पर न होकर क्या हो जाएगा, बिंदु ओ पर आ जाए। ठीक, यदि बिंदु पी केंद्र पर हो, केंद्र पर हो तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0, मतलब इससे इसके बीच की दूरी क्या है, एक्स है। और यदि ये बिंदु ओ पर हो जाएगी तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई बराबर 0। अगर इसमें हम लोग एक्स का मान 0 रखेंगे तो 0 का गुणा क्यों में हो जाएगा, तो 0, इसका मतलब ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें, यदि बिंदु पी जो है ठीक वो क्या हो जाए, ये जो वलय है उससे क्या हो जाएगा, बहुत दूरी पर हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, यदि बिंदु पी केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर होगा तो एक्स का तो मान बढ़ता जाएगा, लेकिन जो ए है ठीक वो इसके कंपेरिजन में, एक्स के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जो होता जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे अब, कि ए स्क्वायर यहाँ पर इसको बहुत छोटा मान लेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग को अगर ई निकालना होगा तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स के बटा ए क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके घाते क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर जो 2 है उससे ए वाला 2 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स के बटा एल घाते 3। अब एक्स से एक्स इसको काट दो तो यहाँ पर एक्स इसका कैंसिल हो जाएगा और इसके घाते क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, तो 2 कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, जब पी केंद्र पर हो, अब जब पी क्या हो जाएगा, बिंदु ओ से बहुत अधिक दूरी पर हो तब।